वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। और हम आ चुके हैं कहाँ, हम आ चुके हैं कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे। और कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं थाईलैंड। जी हाँ, सो पेट बाबा जा रहे हैं थाईलैंड, कुछ काम था, कुछ ज़रूरी काम था, ऑफिशियल टूर भी है, थोड़ा सा घूमना भी है, सारा चीज़ दिखाऊंगा और मज़ा आने वाला है गाइस। पेट बाबा इंटरनेशनली जा रहे हैं अब, तो इंटरनेशनल घूमेंगे, इंटरनेशनल ब्लॉग्स होंगे हमारे पेट बाबा फैमिली के लिए। सो लेट्स सी कैसा रहता है सफ़र, सारा चीज़ हम कवर करेंगे, सारा चीज़ हम अपडेट करेंगे, सारा चीज़ लाइव जाएगा और ट्राई करेंगे सारा चीज़ दिखाने का। जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी जुड़े हुए हैं हमसे, वो हमारे चैनल के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकें कि कैसा रहता है हमारा सफ़र, और मज़े लेते हैं थाईलैंड के। बाय। सो वेलकम बैक गाइस, अभी हम डोमयोंग एयरपोर्ट पे हैं। थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, हमारे साथ ही एक थे, उनके साथ सुबह के 5:10 है अभी, और थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या लफड़ा हुआ था। बाकी हम लोग सारा बैगेज वगैरह ले लिए हैं और कैब का वेट कर रहे हैं। कैब में बैठ के आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये सामने भाई जो घूम रहे हैं ना, यही है वो भाई, इन्हीं के साथ हुआ है लफड़ा। सो हुआ ये कि उनके पास कार्ड था, मैं ये अपने सारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा, ये स्पेशली कि आप लोग जब भी यहाँ आओ तो यहाँ की मनी लेके ज़रूर आना, और कम से कम 10,000 baht लेके ज़रूर आना भाई, 10,000 baht लेके अब ज़रूर आना। और हुआ ये कि उनके पास फोरेक्स कार्ड था, जो ऑब्वियसली बात है एटीएम में यूज़ हो सकता है, बट हुआ ये कि जहाँ पे इमिग्रेशन और वीज़ा ऑन अराइवल उनको करवाना था, वहाँ पे कोई एटीएम ही नहीं था, और जो एयरपोर्ट में एक्सचेंज मनी वाले थे उन्होंने कार्ड लेने से मना कर दिया कि वो कार्ड नहीं लेंगे, दे विल ओनली टेक कैश। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई उनको कि उनके पास कैश नहीं थे, अकाउंट में पैसे थे और किसी और के पास कैश था नहीं। तो फिर हमारे पास जितना हमारे पास कैश था हमने दिया, एक और फैमिली ने भी उनको हेल्प की, और फिर जाके उनके पास थोड़ा कैश इकट्ठा हुआ और फिर वो गए एक्सचेंज कराने। गाइस, बाहर के रेट, मतलब एयरपोर्ट के बाहर के एक्सचेंज मनी का रेट और एयरपोर्ट के अंदर के एक्सचेंज मनी का रेट ज़मीन आसमान का है, ज़मीन आसमान का। बाहर का जो रेट है वो है अराउंड 2.5254, मतलब हमारे इंडियन मनी में 2.54 rupees, यहाँ का 1 baht होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ तो उन्होंने 11,000 इंडियन मनी के सिर्फ और सिर्फ 2300 rupees दिए, 2300 baht। अब कैलकुलेट कर लो, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था सुन के कि मैंने कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया अभी, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना कि उन्होंने अराउंड टू अराउंड इंडियन मनी में अगर देखो तो 5,000 to 6,000 उन्होंने काट लिया, मतलब सीरियसली उन्होंने काट लिया। सो उसके बाद फिर भी हमारे पास थोड़ा थाई मनी था तो हमने और थाई मनी दिया उनको, और फिर उसके बाद उन्होंने सारा वीज़ा और अराइवल ये सब करने के बाद फिर हम बैगेज काउंटर पे गए। अब बैगेज काउंटर पे गए तो बस हमारा ही बैग बचा हुआ था, बाकी सब चले जा चुके थे। तो फिर उसके बाद बहुत टाइम लगा बैगेज आने में भी, क्योंकि बैग घूम रहा था पूरे बेल्ट पे, पूरा घूम रहा था भाई, पेट बाबा का बैग अकेला घूम रहा था, बताओ। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद बैग आया, और फिर बैग लेके और फिर टैक्सी करवाए। अब टैक्सी कराने के लिए नेट चाहिए था तो हमने फिर सिम लिया, यहाँ का जो सिम का जो डेटा पैक था वो 699 थाई बात का अनलिमिटेड इंटरनेट है 15 डेज के लिए, सो हमने वो लिया, एक सिम लिया, सिम का नंबर लिया, और पुराना वाला सिम उन्होंने निकाल के हमें दे दिया, और प्रॉपर सिम डाल के नंबर वंबर चालू करके इंटरनेट चालू करके तुरंत आपको दे देते हैं ऑन स्पॉट। महज 5 minutes लगे होंगे, एक फ़ोटो ली, पासपोर्ट दे दिया था, उसने पासपोर्ट दे दिया था, टेंशन हो गई थी। सो गाइज, जब भी आप बाहर आओ, सबसे पहले
जब भी आप बाहर आओ सो ध्यान रखो कि पासपोर्ट अपना जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग पास, जो बोर्डिंग पास होता है आपका। सो ये सब होने के बाद आपको ज़रूर क्या क्या रखना है, थाई बात, 10,000 थाई बात, और अपना पासपोर्ट, कोविड डिटेल्स आजकल मंग नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कोविड डिटेल्स। सो कहीं नहीं लगा कोविड डिटेल्स, कोविड सर्टिफिकेट कहीं नहीं लगा, और आपके पास थाई मनी, पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं होटल्स देखने, होटल्स वगैरह फाइनल करके, होटल में स्टे करके थोड़ा सा रेस्ट लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग हो गई है। सो उसके बाद मिलता हूँ आपको नींद से जाग के, बाय। सो गाइस, ये है हमारा होटल, मैंने चेक इन कर लिया है, अभी थोड़ा थका हुआ हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा सोऊंगा, सो के उठने के बाद फ्रेश होके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये लॉबी है और अभी रूम में एंटर करता हूँ, चेक इन करता हूँ, बाय। ओए पांचवा है, इसे दबा दिया होगा ना, मिल जाएगा। Mitsubishi guy. So, okay. स्पेस है यहाँ पे, वहाँ बैठने की जगह है, ये रिसेप्शन है, यहाँ पे लाउंज वगैरह है, इधर रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस, जगह अच्छी है, जगह नो डाउट बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, प्लेस इज गुड। शांति है काफ़ी, जिस जगह पे हमने होटल एक्चुअली लिया है वो जगह थोड़ी शांत है, और सीधा रास्ता है, इमरजेंसी पे ही इसको बुक करना पड़ा था क्योंकि जिस होटल को हमने बुक किया था वो स्किप हो गया क्योंकि उसकी पेमेंट करने की डेट थी 3 या 4 तारीख की और मेरे को याद रहा नहीं। सो इमरजेंसी में इसको बुक किया क्योंकि कल हम चले जाएंगे पटाया, सो कोई पॉइंट नहीं था। इसमें स्विमिंग पूल भी, आप लोगों को स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल हमारी वाइफ अपनी फ्रेंड को दिखा रही है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और साथ में यहाँ पे जिम है, ये जिम है और इधर पार्किंग है, इधर लॉन्ड्री एरिया है और इधर पूल है, पूल एरिया यहाँ पे है। क्या चाहिए? देखो गाइस, ऐसे लोग नेट मांगते हैं थाईलैंड में आके, सबको नेट चाहिए होता है। सो अच्छी जगह है, अ कूल बिजी प्लेस टू कम। पूल का मज़ा हम हो सकता है शाम को लेंगे, और शाम को अगर पूल में उतरता हूँ तो फिर तब की वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे बाथिंग एरिया भी है, और या तो फिर सुबह कल पूल का मज़ा लेंगे। अभी वेट कर रहे हैं टैक्सी का, अभी टैक्सी आएगी। गाइस यहाँ पे ना मतलब इतना साफ सुथरा है ना, मतलब मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है यहाँ का, धूल तो है ही नहीं। इसका कह दिए कि बाहर जाके ले आओ, वो एक कंप्यूटर भी है यहाँ पे, आप यूज़ कर सकते हो। आकांक्षा चालू नहीं है, कंप्यूटर चालू नहीं है। गाइस
गाइस, तो फिर अब टैक्सी लेके हम लोग निकल चुके हैं। वाइफ की बहुत ही खास फ्रेंड यहाँ रहती हैं, उनसे मिलने के लिए, और वो हमारे थोड़ा सा ऑफिशियल काम जो था उसमें भी कुछ हेल्प करेंगी। सो आप देख सकते हैं बैंकॉक शहर बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बैंकॉक शहर हमारा। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं हम लोग WD मार्केट में आए हैं। कोई भी बैंकॉक अगर विजिट करता है और आप लोग को अच्छा डिलीशियस फूड खाना है, इंडियन फूड खाना है तो भी, इंडियन फूड खाना है तो भी आप यहाँ WD मार्केट आ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार मार्केट है। यहाँ पे यहाँ का एम्बियंस इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, देख के आप मेस्मराइज रह जाओगे। और अभी जो इस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे हैं उसका नाम है इंडियन फूड। ये हमारी जो फ्रेंड है जो यहाँ बैंकॉक में रहती हैं, उनका खुद का रेस्टोरेंट है। उनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर आना और आके इस रेस्टोरेंट का फूड ज़रूर ट्राई करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं कि फूड वगैरह खाने के बाद हम कहाँ जाएं। सो अभी हम अपनी फ्रेंड के फ्लैट की टेरेस पर आए हैं। उसके टेरेस से व्यू बहुत अच्छा है, सो आप यहाँ से व्यू का मज़ा लीजिए। गिर गिरा तो नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं होता, हाँ यहाँ गैप है। सो आज इसी व्यू के साथ अलविदा लेते हैं फ्रेंड्स, और कल हम पटाया जा रहे हैं, तो पटाया की कैब बुक करके और उसमें बोर्ड करके मैं आपसे मिलता हूँ